मैहर जिले के रामनगर थाना पुलिस ने 11 पेटी अवैध शराब के साथ शराब ठेकेदार के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। मैहर जिले के रामनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन में रामनगर के रीवा रोड स्थित सरकारी शराब दुकान से शराब लोड कर देवराज नगर पैकारी कर पहुंचाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर देवराज नगर स्कूल के पास रामनगर थाना पुलिस ने बोलेरो वाहन को रोका तो वाहन के अंदर से 11 कार्टून शराब मिली। साथ ही बोलेरो वाहन को जब्त किया गया और आरोपी शैलेंद्र प्रताप उर्फ लक्की सिंह निवासी कर्रा के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ही कंपनी के मैनेजर सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया जो अभी मौके से फरार है। एक बोलेरो वाहन है MP 35T 0158, इससे अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा, उसकी नाकाबंदी की गई, उस वाहन को पकड़ा गया। उसमें जो ड्राइवर था कौशलेंद्र सिंह उर्फ लकी सिंह, ये थाना क्षेत्र कपरगाम का निवासी है। इससे सूचना के संबंध में बातचीत की गई, गाड़ी की तलाश ली गई। इसकी गाड़ी में 10 पेटी बियर और 2 पेटी अन्य अंग्रेजी शराब भरी हुई पाई गई। उससे पूछा गया, शराब के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, वह अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहा था। पूछताछ उसके द्वारा बताया गया कि रामनगर में जो ठेका है, शासकीय शराब ठेका है, उसके मैनेजर के द्वारा उसको उक्त शराब देवराज नगर किसी स्थान पर डालने के लिए भेजी जा रही थी। जो उस मामले में 34-2 का प्रकरण तैयार किया गया है, आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, शराब को जब्त किया। अभी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसके बताए अनुसार मामले में पूछताछ की जा रही है, अन्य लोगों की संलिप्तता होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैहर से UD News के लिए आनंद शावलानी की रिपोर्ट।